अगर आप पूजा जल्दी जल्दी दिया जलाते हो, जल्दी जल्दी करते हो, जल्दी जल्दी समेटते हो, तो आप भाव से आगे जुड़ नहीं पाओगे, आप इमोशनली नहीं जुड़ पाओगे। इमोशनली तभी जुड़ पाओगे जब आप प्रेम से करोगे। ये प्राण शक्ति ही वास्तव में मेन शक्ति है, यही हमारे बीच अट्रैक्शन लाती है। इसी अट्रैक्शन से बेतार हम पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं, और हम आगे जुड़ते हैं तो भगवान से भी जुड़ जाते हैं। इस शक्ति को अथर्वा भी कहते हैं। इसीलिए तो कोई भी व्यक्ति हजारों मील दूर बैठा हुआ आपको दुखी भी कर देता है, और हजारों मील दूर बैठा हुआ आपको सुखी भी कर देता है। कितना भी दूर हो, आप उसके बारे सोचने मात्र से हंस पड़ते हो। इसी से अथर्वा से आगे टेलीपैथिकली जो ताकत है पैदा होती है, इसी से हीलिंग की शक्ति पैदा होती है, इसी से प्रार्थना में जान आती है, प्रार्थना करते हो किसी के लिए बल आता है, इसी से आप किसी के बारे सोचते हो, प्रार्थना करते हो, उस तक पहुंच जाती है। पर जहां शुद्धि चाहिए, जहां कलीन चाहिए,